जी हैं जी हमारे सुनील भाई साहब स्नेक मैन। कौन सा स्नेक है भाई साहब? ये इंडियन रेड स्नेक। रेड स्नेक, कितना जहरीला होता है सर? ये जहरीला तो वैसे नहीं होता ये। अच्छा जी। बस थोड़ा हल्का विषैला तो होता है क्योंकि बस बैक्टीरिया वाली चीज खाता ना। अच्छा जी। तो इसलिए थोड़ा इसके मुंह में बैक्टीरिया होता है। सर आप ये बताएं आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है मेरे को तो स्नेक कैचिंग का? मेरे को 10 सालों से एक्सपीरियंस है। इसकी ट्रेनिंग ली आपने कहीं? हाँ, ट्रेनिंग ली है बंदे से। अच्छा जी, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है ये? ट्रेनिंग तो वैसे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में ट्रेंड हो जाता है। अच्छा जी। हाँ, वैसे मैंने तो 2-3 महीने ही ली थी बस। अच्छा सर। सर अब कितने सालों से आप स्नेक कैचिंग कर रहे हो? मैं अभी कम से कम 5 सालों से स्नेक कैचिंग कर रहा हूँ। और 5 साल के अंदर आपने कितने स्नेक कैच कर लिए? 5 साल के अंदर मैं 30,000 के करीब सांप पकड़ चुका हूँ। ये देखिए जी, हमारे सुनील भाई साहब हैं, अहिरका गांव, जिला जींद है इनका, और स्नेक कैच रही है, और फिलहाल इनके हाथ में है रेड स्नेक, इंडियन रेड स्नेक। इंडियन रेड स्नेक है जी। और इन्होंने यहाँ एक गोडाउन है पास में, यहाँ से कैच किया। ये देखिए, इसको शांत करने के लिए कैसे पानी में नहला रहे हैं। बेखौफ हैं ये बिल्कुल, हमारे भाई साहब। बस हम क्या छोड़ेंगे, अब तो पकड़े लिया। ये नर है, नर। क्या पहचान होती है सर नर की? जो नर होता है ना वो स्लिम होता है, पतला होता है, स्लिम होता है। और जो मादा होती है वो मोटे साइज में होती है, लंबी लेंथ भी उसकी लंबी होती है। जी जी। जो नर होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, बस वो मादा से कम ही होता है। 1 फीट भी कम हो सकता है, 1.5 फीट भी कम हो सकता है, और स्लिम होता है। नर की पहचान होती है, स्लिम होता है। सर आप ये बताइए, जो हमारे कुछ किसान साथी हैं उनके जो खेत हैं उनके अंदर सांप निकल जाते हैं, उनको काट लेते हैं, तो सबसे पहले उनको फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए? सबसे पहले उनकी फर्स्ट एड उनकी यही है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएँ सांप के काटते ही। और जो ये स्नेक होता है ये तो किसानों का मित्र होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर चूहे काटता है, इसमें ये नॉन पॉइजन होता है वैसे पूरी तरह से। हाँ, बस काटने से क्या होता है, ज़्यादातर ये काटता भी नहीं वैसे तो, लेकिन धोखे से कभी पैर टेक भी जाता तो इसके काटने से कुछ नहीं होता। बस थोड़ा कई बार क्या होता है कि बस इंसान, किसी इंसान को अगर ये काट लेता है तो दिल धड़कने से जो बीटिंग बढ़ती है, दिल की बीटिंग बढ़ती है ना, उससे इंसान की डेथ हो सकती है, बस डर की वजह से, वो भी जहर से नहीं होगी। आपको कितनी बार काटा सर स्नेक ने? मेरे को तो बहुत बार काट लिया। अप्रोक्स कितनी बार? कम से कम 40-50 बार तो काट लिया। आप क्या ट्रीटमेंट लेते हो सर उसके लिए? मैं तो अभी तक कुछ नहीं लिया मैंने तो। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे सांपों के बारे में? डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, या इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? वैसे तो इंसान को डरना चाहिए क्योंकि ये भी इसी इंसानों से डरते हैं। हाँ, थोड़ा बस ये पर्यावरण मित्र हैं, हमारे खेतों के किसान मित्र हैं, तो जहाँ तक हो सके इनको सेफ ही रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारे खेतों में चूहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा फसल को वेस्ट करते हैं, तो ये चूहों को खा के उनका सफाया करते हैं, और छोटे मोटे जो कीट पतंगे जो फसलों में होते हैं उनको खा के ये उनका सफाया करते हैं और हमारी फसलों को भी बचाते हैं। बस मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जीवों को मत मारिए, ये हमारे पर्यावरण का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है।